नमस्कार, मैं अनुज तिवारी एक बार फिर आपका आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी पढ़ाई बहुत ही बेहतर तरीके से चल रही होगी और इस समय एक नया जोश और जुनून आपके अंदर आया है, वो है वीडियो और एग्ज़ाम को लेकर के। ठीक है, सो बिना देरी के हम लोग टू दी पॉइंट बात करेंगे, क्योंकि सच तो ये है कि हमारे पास अब इतना समय नहीं है कि हम लोग एक लंबी चौड़ी बहस करें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितने सब्जेक्ट्स को कवर करने, कितने कवर नहीं करने हैं। इन सब एक अलग रखते हुए हम लोग बहुत शॉर्ट वे में बात करने वाले हैं कि वीडियो एग्ज़ाम को लेकर के हम क्या करने वाले, हम का मतलब कि हमारी परीक्षा प्लस क्या करने वाली है, आपकी परीक्षा प्लस क्या करने वाली है आप लोगों के लिए। क्लियर? तो एक बार मैं आपको बता दूं कि जो वीडियो एग्ज़ाम है इसके बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको हो। जो वीडियो को मैं एग्ज़ाम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दोबारा एग्ज़ाम हो रहा है। ठीक है, पहली बार जो एग्ज़ाम हुआ था वीडियो का, यानी ग्राम विकास अधिकारी के साथ भी दो पोस्टिंग्स के साथ और भी रही हैं, लगभग 3 वैकेंसीज को मिला करके 19,500 पद रहे हैं और इन 1,950 पदों के विहाव पर लगभग 14.5 लाख के आसपास फॉर्म पड़े थे 2018 में। क्लियर है? अगर मैं बात करूं 2018 में अगर 14 लाख फॉर्म पड़े, 14.5 लाख फॉर्म पड़े हैं, तो उस टाइम पे जब एग्ज़ाम हुआ था तो कुछ अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए इस परीक्षा को निरस्त कर दिया गया था। उन्हीं परीक्षाओं को फिर से 2018 के बाद में 2023 में करवाया जा रहा है। लगभग 5 साल के बाद ये एग्ज़ाम फिर से UP SSC के द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है। क्लियर? ये हो गई हमारे एग्ज़ाम को लेकर के बाद। अब अगर मैं इसके सिलेबस की आपसे थोड़ा सा डिस्कशन करूं, तो यहाँ पे हमें 3 सेक्शंस में पेपर देखने को मिलता है। पहला सेक्शन हमारा जर्नल स्टडी सामान्य अध्ययन का है, जहाँ से आपके 50 प्रश्न होते हैं। इसके जस्ट बाद में आपके हिंदी के प्रश्न होते हैं, उसमें भी आपके 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। और उसके बाद फिर आपका रीजनिंग का होता है, जहाँ आपको 50 प्रश्न देखने को मिलते हैं। मतलब GS है, हिंदी है और रीजनिंग है, मैथ नहीं है, इंग्लिश नहीं है, इस बात को आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो 3 सेक्शंस में बांटा गया है हमारे पेपर को, 50-50-50 प्रश्नों में। कुल 150 प्रश्न हैं और नंबर कितने हैं, 300 नंबर है। मतलब 150 क्वेश्चन, 300 नंबर के पेपर हमारे होने वाले हैं। एग्ज़ाम डेट क्या है, तो एग्ज़ाम डेट जैसा कि अभी UP SSC ने आपको बताया है नोटिफिकेशन के माध्यम से, और सामान्यतः इसकी सूचना आलोक सर, रमन सर या आशीष सर के द्वारा भी आपको प्रदान कर दिया गया होगा परीक्षा प्लस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। क्लियर? जहाँ से अभी आप मुझे देख रहे हैं। तो 26 और 27 जून को ये परीक्षा आपकी निर्धारित की गई है कि इस दिन आपकी परीक्षाएं कंडक्ट करवाई जाएंगी। क्लियर है? अब सबसे खास बात दोस्त ये कि अगर ये पेपर 26 और 27 जून को होने वाला है, तो हमारे पास अमूमन 50 दिन बचे हुए हैं। क्लियर? और 50 दिन में हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे कि ये एग्ज़ाम हम क्रैक कर सकें, ये सबसे हमारे लिए एक, मैं यूँ कहूँ तो, विषय बन जाता है सोचने के लिए। ठीक है, तो एक अगर हम बेहतर रणनीति के साथ अगर इन सारे विषयों को कवर करने की कोशिश करें, तो ठीक ठाक तारीख तक हम लोग कवर कर सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि इनमें कौन कौन से हमें विषय पढ़ने हैं, वो भी हमें ध्यान में रखना है। एक सबसे खास बात मेरे दोस्त कि हमें क्या पढ़ना है, ये जानना जितना ज़रूरी है, उतना ही जानना हमें ये भी ज़रूरी है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। क्लियर? एक बार आप अपने दिमाग में ज़रूर माइंडसेट करिए कि जितने भी लोग एग्ज़ाम में अपेयर होते हैं, उन सब का सारे विषय तैयार नहीं होते हैं। किसी का कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होता है और किसी का कुछ ना कुछ बहुत गड़बड़ होता है। ठीक है, तो जो हमारा बेहतर है हमें उसे और बेहतर करना है, जो हमारा कम बेहतर है उसे हमें बेहतर करना है, और जहाँ पर हम लैक कर रहे हैं हम कोशिश करें कि एन एवरेज हम वहाँ पर कंडक्ट कर सकें, या एन एवरेज हम पेपर को शेड्यूल कर पाएँ जैसे कि एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट हो, अपनी स्ट्रेटजी एंड वीकनेस को ध्यान में रखते हुए। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आप लोग हमेशा YouTube पे सर्च करते रहते हैं कि वीडियो एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, उसके स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। एक बात हमेशा आप याद रखिए कि आपकी स्ट्रेटजी आपके स्ट्रेंथ और आपके वीकनेस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस सिर्फ आपको पता है इस पूरे ब्रह्मांड में, और किसी को नहीं पता है। तो जब तक आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस किसी और को नहीं पता है, तो फिर आप किसी और की स्ट्रेटजी को कैसे फॉलो कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप मेरी स्ट्रेटजी पूछेंगे, तो मैं आपसे कहूँगा कि मेरी पॉलिटी बहुत अच्छी है, मेरी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, मेरी ज्योग्राफी बहुत अच्छी है, मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़ा कम जानता हूँ, इवन हिस्ट्री में बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ, साइंस मेरी उतनी अच्छी नहीं है, करंट अफेयर मैं कर लेता हूँ, ये मैंने कहा। बट आप कह रहे हो सर इकोनॉमी तो बहुत बकवास सब्जेक्ट, इकोनॉमी मुझे आती नहीं है, पॉलिटी में आर्टिकल्स तो याद होते ही होते नहीं है। हाँ सर मेरी हिस्ट्री बहुत अच्छी है, मैं साइंस बैकग्राउंड का हूँ, तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में अच्छा कर सकता हूँ।
तो हमारी और आपकी स्ट्रेटजी चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ अलग है और आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस अलग है। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले याद रखिए कि आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस के अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। उसके लिए एक कॉमन स्ट्रेटजी होता है जिसे हम ध्यान में रख करके किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या करवाई जाती है। क्लियर? चूँकि आपको पता होगा कि परीक्षा प्लस विगत कई वर्षों से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको अन्य कई सारे एग्ज़ामों की तैयारी करवा रहा है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं और आपका प्यार और स्नेह भी काफ़ी लंबे समय से परीक्षा प्लस को प्राप्त हुआ है और उम्मीद करते हैं कि मिलता भी रहेगा। क्लियर है? तो इस वीडियो री एग्ज़ाम में परीक्षा प्लस आपके लिए क्या करने वाला है उस पर एक बार हम आपसे बात करते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ ही में अगर आप देखेंगे तो आपको इस समय शो हो रहा होगा वीडियो री एग्ज़ाम को लेकर के कि क्या डेट लगी हुई है। ओके, सो अगर मैं वीडियो री एग्ज़ाम की डेट की बात करूँ तो वो ऑलरेडी मैं आपसे बात कर चुका हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पे अब बिना टाइम के हम लोग बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। क्लियर? तो अगर मैं आपसे बात करूँ तो नंबर एक पे मैंने आपसे बात किया है कि नंबर एक हमारा जीएस है, नंबर दो हमारा हिंदी है और नंबर तीन हमारा क्या है, रीजनिंग है। इस पे हमें कोई बहस अब नहीं करनी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 150 और नंबर्स कितने हैं 300। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, निगेटिव मार्किंग कितनी है, तो निगेटिव 1/2 है। मतलब पहली बार शायद जितना मुझे रिकॉल है कि निगेटिव 1/2 किया गया था इस वाले एग्जाम में। मतलब दो प्रश्न गलत तो एक प्रश्न आपके वो भी ले डूबा। ठीक, मतलब वही है ना कि हम भी डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे, कुछ ऐसी ही कहानी है यहाँ पे। बहुत रिस्की एग्जाम है ये। चूँकि मैं एज अ जीएस फैकल्टी आपको हमेशा परीक्षा प्लस पे मिला हूँ, किसी भी एग्जाम को अगर आप देखें, चाहे वो सिविल के आपने देखा हो या टीजीटी पीजीटी को देखो, इवन वनडे का कोई भी मैराथन आपने देखा होगा, तो उन सब में जीएस की फैकल्टी के तौर पे मैं और रमन सर और आशीष सर सामान्यतः आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर? यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हमारी फैकल्टी क्या करने वाली है, उस पे एक बार मैं आपको डिस्कशन कर लूँगा, फिर हम लोग जल्दी से मूव करेंगे अपने जीएस वाले सेक्शन पे। ठीक, तो चूँकि यहाँ पे हिस्ट्री हमें देखने को मिलती है, जियोग्राफी देखने को मिलता है, इकोनॉमी देखने को मिलता है, पॉलिटी देखने को मिलेगा, साइंस और करंट अफेयर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखिएगा, हिस्ट्री और इकोनॉमी और जियोग्राफी, ये तीन तो मैं आपको कवर करवाऊँगा। उसके बाद में रही बात पॉलिटिकल साइंस की, तो पॉलिटिकल साइंस रमन सर आपको कवर करवा देंगे, वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी इन यूट्यूब प्लेटफॉर्म। एंड साइंस की मैं बात करूँ, साइंस आपको आलोक सर करवा देंगे। एंड रही बात करंट अफेयर की, तो करंट ऑलरेडी आपको सर्वेश सर करवा रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल जीएस के लेवल पे हम इतनी चीज़ें करेंगे। मैं बात करूँ हिंदी की, तो हिंदी हो सकता है कि हमारे यहाँ एक सर है वो आपको करवा दें, या फिर हो सकता है कि रमन सर ऑलरेडी हिंदी हमारे यहाँ कवर करवाते हैं तो वो कवर करवा सकते हैं। ठीक है, एंड रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग आपको पता है कि वन ऑफ द बेस्ट टीचर वो कौन है, आशीष पाठक सर हैं। ठीक है, तो ये हमारी फैकल्टी और इतने टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आज से हम क्या स्ट्रेटजी अपनी बनाएंगे और किस प्रकार से चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक, अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री की, चूँकि सबसे पहले हम हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले, क्यों मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त सामान्यता आप देखते हैं ना कि हिस्ट्री की सबसे अच्छी बात यह है कि हम इसके साथ ना एक अपनापन वाला लगाव होता है। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूँ हिस्ट्री को लेकर के क्या क्या प्रॉब्लम्स रही हैं, तो एक अच्छी बात यह है मेरे दोस्त कि हिस्ट्री में हम पहले से पढ़े हैं, बार बार एग्जाम्स में पढ़ते आए हैं, तो ये हमें अपनापन लगता है कि जैसे ये अपना है। ठीक, तो हम सबसे पहले हिस्ट्री को जल्दी से तैयार कर लेंगे, हिस्ट्री के जस्ट बाद में फिर हम लोग किस पे आ जाएंगे, पॉलिटी को पढ़ लेंगे, पॉलिटी के बाद में फिर हम लोग इकोनॉमी को आएंगे, इकोनॉमी के बाद हम ज्योग्राफी पे आएंगे। रमन सर अगर अवेलेबल हैं तो वो पॉलिटी पढ़ा देंगे, अदरवाइज मैं खुद आपको जीएस के अन्य सब्जेक्ट की तरफ लेकर के चलूंगा। क्लियर, तो मॉडर्न हिस्ट्री के बाद एंसेंट और फिर हम मेडाइवल पर आएंगे। क्लियर, तो तनाव बिल्कुल मत लीजिएगा, हमें कब कहाँ क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इन चीज़ों को हम एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर एक अच्छे तरीके से ध्यान में रख करके आगे बढ़ेंगे। ठीक, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, शायद ये बहुत बड़ी बात होगी, बट 14 तारीख को पीसीएस का एग्ज़ाम है, तो आप देखिएगा कि आपको यहाँ से कुछ प्रश्न पीसीएस के एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगा। ये हवाबाजी होगी बट आएगा तो दैट्स गुड, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, हम मॉडर्न हिस्ट्री में हम क्या क्या करने वाले हैं, किस स्ट्रेटजी पे या किस वे में चलेंगे, उस पर एक बार हम बात कर लें। और आने वाली जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है, हम कोशिश करेंगे कि 7 से 8 क्लास में, या बहुत हुआ तो 8 से 10 क्लास में हम पूरी आपकी मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करने की कोशिश करेंगे। क्लियर, तो किस तरीके से हमें क्या क्या मेरे दोस्त करना है
उस पर एक बार अगर हम लोग नज़र डाल लें तो शायद बेहतर तरीके से आसान हो जाएगा रोड मैप। तो सबसे पहले जब भी हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे तो हम बंगाल विभाजन को देखेंगे, सॉरी बंगाल विजय को देखेंगे। बंगाल विभाजन तो 1905 की घटनाएं हैं, क्लियर। तो हम लोग बंगाल विजय को देख लेंगे कि बंगाल विजय कैसे हुआ है, ठीक है, और बंगाल विजय में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं। देखिएगा, अंग्रेज जब भारत में आए हैं तो दरअसल आपको पता होगा कि अंग्रेज जब आए हैं तो अंग्रेजों का मेन मोटो था भारत के साथ व्यापार करना। वो शासन करने के मूड से नहीं आए थे, लेकिन जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि भारत में जो अवसर हैं वो बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे धन भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ से लाभ अर्जित करना उतना इम्पॉर्टेंट है जितना कि ब्रिटेन में व्यापार करना। तो सामान्यतः यहाँ से उत्पादित वस्तुओं को एक्वायर करना, ग्रहण करना और इसके बाद में ले जाके ब्रिटेन में उच्च दामों में बेचना, ये उनके व्यापार करने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बन गया। अब सामान्यतः अगर किसी भी वस्तु को आपको एक्वायर करना है तो उस पर एकाधिकार या क्षेत्राधिकार आपको प्राप्त होना चाहिए, क्लियर। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत की तरफ रुख की है तो रुख करने के साथ में उसने भारतीय क्षेत्र को एक एक कर को विजय करने का काम शुरू कर दिया। और काम इसलिए शुरू कर दिया क्योंकि सामान्यतः जिस क्षेत्रों पर अगर उनका क्षेत्राधिकार होगा तो जाहिर सी बात है कि वो वहाँ से ज़्यादा धन का शोषण, धन का बहिर्गमन करेंगे। धन का बहिर्गमन का मतलब है कि वो यहाँ से धन को एक्वायर करेंगे और ब्रिटेन की तरफ भेजेंगे, प्लान करेंगे, ठीक है। आगे चल के हम इस पर बात करेंगे कि धन के बहिर्गमन का सिद्धांत 1867 में दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में अपने पत्र पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में किस प्रकार से किया था, क्लियर है। अभी हम बात कर रहे हैं बंगाल विजय को लेकर के। तो जब बंगाल विजय को हम देखेंगे तो किस प्रकार बंगाल का विजय किया गया, प्लासी युद्ध के माध्यम से क्या क्या चीज़ें घटित हुई, बक्सर के युद्ध के माध्यम से क्या क्या चीज़ें घटित हुई, हेक्टर मुन्नो का क्या इंपॉर्टेंस रोल रहा है, क्लाइव का क्या इंपॉर्टेंस रोल रहा है, बक्सर विजय के बाद में इलाहाबाद की संधि किसके साथ साथ में किया गया, उसके कुछ प्रोविजंस क्या क्या रहे हैं वो हम देखेंगे, बंगाल में द्वैध शासन कैसे लाया गया रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा वो हम देखेंगे, उसके बाद में फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें हम बंगाल विजय को लेकर के यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे और यहीं से आपके प्रश्न देखने को मिलेगा। या तो नवाब सिराजुद्दौला से प्लासी को देखने को मिलेगा, बक्सर से मिलेगा, बंगाल में द्वैत शासन को देखने को मिल जाएगा, इलाहाबाद की संधि से देखने को मिल जाएगा। यही वो क्रक्स है ना, पॉइंट है जहाँ से कमीशन आपसे प्रश्न पूछने का काम करता है, चाहे वो आपका वनडे का एग्जाम हो या आपके सिविल का एग्जाम हो, क्लियर। उसके बाद में फिर हम देखेंगे जब बंगाल विजय हो गया है तो बंगाल विजय के बाद में अंग्रेजों ने किस प्रकार से उन नीतियों को अपनाया और उन नीतियों के अपनाने के बाद में किस प्रकार से भारतीयों का शोषण किया गया, ठीक। जैसे कि हमारे कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा, हमारे उद्योग धंधों पर क्या प्रभाव पड़ा, और यहाँ से जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब बंगाल विजय के बाद में भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है, ठीक। अंग्रेजों का जो द्वैध शासन प्रणाली रहा उससे क्या प्रभाव पड़ा है, आप देखेंगे कि सहायक संधि से क्या प्रभाव पड़ा है, 1798 में सहायक संधि आई है और सहायक संधि से क्या फ़र्क पड़ा है, सुरक्षित घेरे की नीति के तहत क्या क्या चीज़ें अपनाई गई हैं, अवध को बफर स्टेट क्यों बनाया गया, बफर स्टेट क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव के अंतर्गत देखने का काम करेंगे, क्लियर। सहायक संधि में किसने हस्ताक्षर किया, किसने हस्ताक्षर नहीं किया, कौन पहले आया कौन बाद में आया, उसके क्या प्रोविजंस थे, ये सब के सब सहायक संधि, सुरक्षित घेरे की रीति, इवन कोशिश मैं करूँगा कि अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव पर जो लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है उसको भी हम यहीं पर देख लेंगे। तो ये जो तीन मेन इश्यूज है ना वो हमारा यहीं पे कवर हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद में ना हम बात करेंगे प्रमुख आंदोलन को लेकर के। प्रमुख आंदोलनों की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आता है किसान आंदोलन। अच्छा, किसान यौम, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, किसान यौम जनजातीय आंदोलन, इसी के साथ में आप देखिएगा नागरिक विद्रोह, ठीक है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि आखिर किसान एवं जनजातीय एवं नागरिक विद्रोह हो क्यों रहे थे, ठीक। हम याद तो कर लेंगे, ठीक है, बट इनके पीछे का एक रीज़न ये है कि बंगाल विजय के बाद में द्वैध शासन लागू किया गया और द्वैध शासन के बाद में सहायक संधि, या सहायक संधि के साथ में आप देखेंगे जो सुरक्षित घेरे की नीति अपनाई गई थी, उन सब के माध्यम से किस प्रकार से भारतीयों का शोषण किया गया। एक सबसे अच्छी बात आप गौर करेंगे ना, तो ये वाला जो प्रमुख आंदोलन चल रहा है या आप बंगाल विजय के बाद में देखेंगे तो 18वीं शताब्दी के आसपास में सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं क्या हो रही थी कि जिस समय भारत में उद्योग धंधों का पतन हो रहा था उसी समय ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांतियां घटित हो रही थी।
मतलब ब्रिटेन में जहां औद्योगिक क्रांति हो रहा है वहीं पे भारतीयों के शोषण हो रहा है और भारत के उद्योग धंधों का पतन हो रहा है। यही रीज़न है कि 1813 के अधिनियम में पहली बार ब्रिटेन वासियों को भारत में व्यापार करने की आज़ादी दे दी गई, सिर्फ चीन और चाय के व्यापार को छोड़ करके, मतलब ब्रिटेन को मुक्त व्यापार करने की आज़ादी भारत के साथ दे दी गई। जहां अभी तक 1813 से पहले सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत के साथ व्यापार कर रही थी, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ पूरे यूरोप वासियों को भारत के साथ व्यापार करने की छूट दे दी गई। रीज़न क्या था? क्योंकि ब्रिटेन में 18वीं शताब्दी के आसपास आप देखेंगे 1800 के आसपास औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप जो माल निर्मित हुए थे उन मालों को बेचने के लिए एक बाज़ार चाहिए था और वो बाज़ार के तौर पर भारत को देखा गया। क्लियर? तो 1813 के अधिनियम में दो बातें बहुत ध्यान हमें रखनी है। पहला कि भारत में शिक्षा के विकास पर पहली बार 1,00,000 रुपए वार्षिक खर्च करने की बात कही गई, और नंबर दूसरा कि ब्रिटेन वासियों को भारत के साथ मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई या उन्हें परमिशन दिया गया चीन और चाय के व्यापार को छोड़ के। 1833 के अधिनियम में चीन और चाय के व्यापार पर भी मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई, या मैं यूँ कहूँ तो 1813 के अधिनियम में संपूर्ण मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई थी, भारत में अंग्रेजों के द्वारा खोल दिए गए थे। क्लियर? तो इन्हीं सब के परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि किसान एवं नागरिक एवं जनजातीय विद्रोह प्रारंभ हो गए थे। यही आप देखेंगे कि जब हम लोग पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था पे पड़ने वाले प्रभाव को, तो किस प्रकार से लैंड रिफॉर्म किया गया, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, इस्तेमरारी व्यवस्था लाई गई, जमींदारी व्यवस्था लाई गई, और इन सब के माध्यम से किस प्रकार से भारतीय किसानों का शोषण किया गया, जमींदारों के माध्यम से किसानों का शोषण हुआ, जनजातियों का शोषण हुआ, नागरिकों का भी शोषण किया गया, तो इन सब के अंदर जो द्वैष भावना व्याप्त थी वो धीरे धीरे स्तर पर कब 18वीं शताब्दी के बाद से आपको देखने को मिल जाता है। यही रीज़न रहा है कि 1757 में प्लासी युद्ध के बाद में 1857 में 100 साल के बाद आपको पूरे संपूर्ण भारतीय अखिल भारतीय स्तर पर एक ठीक ठाक लेवल पे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या 1857 की क्रांति देखने को मिलती है। तो जब भी हम 1857 की क्रांति पढ़ेंगे, क्योंकि यहीं पे प्रमुख आंदोलन में क्या, प्रमुख आंदोलन में हम 1857 की क्रांति भी देखेंगे। और अगर मैं 1857 की क्रांति की बात करूँ तो यहाँ पे कुछ दीर्घकालिक कारण हम पढ़ेंगे, कुछ तात्कालिक कारण पढ़ेंगे। तात्कालिक कारणों में जहाँ आप चर्बी लगा हुआ कारतूस मंगल पांडे वाली घटना देखते हैं, वहीं दीर्घकालिक कारणों में आप प्लासी भी देखते हैं, बक्सर भी देखते हैं, सहायक संधि भी देखते हैं, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, इस्तेमरारी व्यवस्थाएं भी देखते हैं, वहीं पे आप मुक्त व्यापार की नीति देखते हैं, ईसाई मिशनरियों का आगमन आप देखते हैं, इसी के साथ में शिक्षा का विकास भी कहीं ना कहीं एक 1857 की क्रांति में कारण इसलिए रहा है क्योंकि शिक्षा के विकास से लोगों में आत्म चेतना का विकास हुआ है, लोगों को जानकारी मिली है उनके अब उन्हें धीरे धीरे, और शिक्षा का विकास हुआ है जिससे उनके अंदर राष्ट्रीय चेतना की भावना जागृत हुई। और आगे चल करके आप देखेंगे किस प्रकार से 1857 के विद्रोह में ये सब दीर्घकालिक कारणों के तौर पर हमें देखने को मिलता है। उसमें हवन में आग की तरह, मतलब एक मैं यूँ कहूँ तो घी डालने का काम कर दिया किसने, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ने। वहीं पर कहा जाता है कि तात्कालिक कारणों में कहीं ना कहीं रेल का विकास भी, लॉर्ड डलहौजी ने जो रेल का विकास किया उसके माध्यम से भी भारतीय जनमानस में मोबिलिटी वाली व्यवस्थाएं का विकास हुआ और सामान्यतः 1857 की क्रांति देखी गई। तो कुछ तात्कालिक कारण थे, कुछ दीर्घकालिक कारण थे, हम जब 1857 की क्रांति पढ़ेंगे तब देख लेंगे। तो यहाँ पे हम प्रमुख किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, नागरिक विद्रोह सब के सब हम देखेंगे एक सिक्वेंस वाइज में। क्लियर? इसके बाद में फिर हम शिक्षा का विकास देखेंगे कि शिक्षा का विकास कैसे हुआ है, आखिर भारतीयों में शिक्षा का विकास क्यों किया गया अंग्रेजों के माध्यम से, कुछ थोड़े उनके कारण रहे, कारण हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। बट 1813 के अधिनियम में जब पहली बार भारतीय शिक्षा पर वार्षिक तौर पर 1,00,000 रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने की बात कही गई, तो उसके बाद में फिर कैसे कैसे चीज़ें बदलने लगी। देखिएगा 1833 में आप कुछ एक बात याद होगा कि लॉर्ड मैकाले का घोषणा पत्र आया था, और लॉर्ड मैकाले 1833 या 35 के आसपास आया है। तो लॉर्ड मैकाले ने अपने घोषणा पत्र में ये कहा कि भारतीय जो शिक्षा है, भारत उसने भारत और अफ्रीका दोनों की संपूर्ण शिक्षा को ब्रिटेन के लाइब्रेरी के आलमारी के एक तख्ता, एक स्लाइड के एक बुक से कहीं ज़्यादा बेहतर बताया। मतलब उनकी एक किताब हमारे संपूर्ण भारतीय और अफ्रीका के संस्कृति साहित्य शिक्षा से कहीं ज़्यादा बेहतर है, ऐसा मैकाले का मानना था। तो जब 1833 के बाद में आप देखेंगे भारतीय में शिक्षा का विकास करना हुआ, तो सबसे बड़ा मुद्दा उठा था कि भैया 1,00,000 रुपए खर्च तो किया जाए, बट किस पर खर्च किया जाए, शिक्षा का विकास किस माध्यम में हो, अंग्रेजी माध्यम में हो या हिंदी माध्यम में हो।
यहीं पर दो गुट निकल के आया था, आंग्लवादी और प्राच्यवादी। तो आंग्लवादी क्या थे, प्राच्यवादी क्या थे, कैसे कैसे वो कौन से लोग थे जो आंग्लवादी का समर्थन कर रहे थे और वो कौन से लोग थे जो प्राच्यवादी का समर्थन कर रहे थे, ये हम वहाँ पर देखने का काम करेंगे। फिर ट्रिकल डाउन थ्योरी आप देखिएगा, ट्रिकल डाउन थ्योरी का मतलब है कि अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत किस प्रकार से शिक्षा में लाया गया। शिक्षा का आप अगर एक तरीके से देखेंगे तो चार्ल्सवुड जब डिस्पैच आया तो चार्ल्सवुड डिस्पैच 1854 में आया है, और चार्ल्सवुड डिस्पैच के बाद में धीरे धीरे बाद में शिक्षा का विकास होने लगा। तो चार्ल्सवुड डिस्पैच को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, अगर कभी भी आपसे पूछे ये आप ध्यान रखिएगा। तो शिक्षा पे वो कौन कौन सी समितियाँ आईं, वो कौन कौन से नियम कानून कायदे आए जिन्होंने भारतीय शिक्षा को और बेहतर करने का काम किया, चाहे वो लॉर्ड मैकाले की घोषणा पत्र के बाद में क्या चीज़ें घटी हैं, या चार्ल्सवुड डिस्पैच और ट्रिकल डाउन थ्योरी है, उसके बाद में आप वर्धा योजना को देखिए, कलकत्ता, मैं सिक्वेंस में नहीं बोल रहा हूँ, रेंडमली मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद में सैडलर आयोग क्या है, वर्धा योजना क्या है, कलकत्ता विश्वविद्यालय अधिनियम में क्या क्या चीज़ें कही गई हैं, शिक्षा के प्रसार में जो जो चीज़ें नियम कानून कायदा समितियाँ लाई गई हैं उन सब को हम शिक्षा के विकास के तहत देखने का काम करेंगे। उसके बाद प्रमुख पत्रियों पत्रिकाओं का कैसे कैसे हमारे यहाँ विकास किया गया, इन प्रमुख पत्रियों पत्रिकाओं को भी हम देखने का काम करेंगे। और एक चीज़ अब फिर उसके बाद हम आएंगे पुनर्जागरण पे। देखिएगा पुनर्जागरण हम क्यों बाद में पढ़ रहे हैं, क्योंकि शिक्षा का विकास और पत्र एवं पत्रिका, इन दोनों के माध्यम ने कहीं ना कहीं भारतीयों में नव चेतना का विकास किया, और इन नव चेतना के विकास के कारण ही भारतीयों में पुनर्जागरण जैसी संकल्पना देखने को मिली है। क्या इससे पहले हमारे यहाँ धर्म सुधार नहीं हुए थे, तो हुए थे, 13वीं से लेकर के 14वीं 15वीं 16वीं में एक बार हमारे यहाँ धर्म सुधार देखा गया है। पहला धर्म सुधार हमारे यहाँ बौद्ध और जैन शासन के टाइम पे देखा गया था, उसके बाद में फिर आप देखिएगा तो 13वीं 14वीं और 15वीं 16वीं शताब्दी में हमारे यहाँ धर्म सुधार देखा गया, और फिर से एक बार 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हमारे यहाँ पे धर्म सुधार आंदोलन के तौर पर देखा गया, जहाँ पे आपने राजा राम मोहन राय को देखा है, आपने ईश्वर चंद्र विद्यासागर को देखा है, आपने एनी बेसेंट को देखा है, इसी के साथ में बाल गंगाधर तिलक जैसे भी लोग आगे आए हैं, उन्होंने भी काफ़ी रिफॉर्म किए हैं। स्वामी विवेकानंद आपको देखने को मिलेंगे, दयानंद सरस्वती में मिलेंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर मिलेंगे, सर सैयद अहमद खान आपको मिलेंगे। तो ये वो लोग हैं, ये वो लीडर हैं जिन्होंने भारतीय जनमानस में एक बार फिर से प्रस्फुटन करने का काम किया, और ये बताने का काम किया कि जो हमारा गौरवमय इतिहास रहा है वो कितना बेहतर रहा है। क्लियर? तो इन सारे चीज़ों को कैसे कैसे हम लोग देखने का काम करेंगे, वो पुनर्जागरण के माध्यम से करने का काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद में फिर हमारा एक काम बचता है प्रमुख वायसराय, और प्रमुख वायसराय के बाद में हमारा बचता है प्रमुख अधिनियम। प्रमुख वायसराय में हम देखेंगे कि कौन से वायसराय प्रमुख रहे, उनके क्या कार्य रहे हैं, कैसे कैसे चीज़ें घटित हुई हैं, और उसके बाद में फिर हम प्रमुख अधिनियम देखेंगे, 1773 का अधिनियम, 1783-84 वाला अधिनियम, 1813 का अधिनियम, 1833 का अधिनियम, 1854, 1858, 1861, 1891 और 92 के टाइम पे होराइजन पे, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, और उसी के साथ में फिर 1947 का भारत शासन अधिनियम। ये सारे के सारे जो अधिनियम प्रमुख रहे हैं उनके प्रमुख प्रोविजंस क्या रहे हैं, इन सब को हम देखने का काम करेंगे। क्लियर? ये सिक्वेंस वाइज में हम देखेंगे। इसके बाद में अब जब हम पढ़ेंगे तो हम सीधा आ जाएंगे कहाँ पे, 1885 से लेकर के और 1947 तक। क्लियर? तो अब आपको पता चल गया होगा कि आने वाले 7-8 दिनों में हमारा क्या स्ट्रेटजी रहने वाला है। अब अगर हम बात करें 1885 से लेकर के और 1947 तक, तो 1885 को हम तीन चरणों में बांटेंगे, प्रथम चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। प्रथम चरण को आप क्या बोलते हैं, उदारवादी, दूसरे चरण को आप क्या बोलते हैं, उग्रवादी, और तीसरे चरण को हम लोग क्या जानते हैं, गांधीवादी। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको इसलिए ब्रीफ कर रहा हूँ जिससे कि आने वाला जो हमारा 7-8-10 दिन है एक माइंड सेट रहे आपका। उदारवादी चरण हम कब से देखते हैं, तो 1885 से लेकर के और 1905 तक हम उदारवादी चरण देखते हैं, 1905 से लेकर के 1915 तक हम लोग उग्रवादी चरण देखते हैं, और 1915 से लेकर के 1900 सामान्यतः अगर मैं बात करूँ तो 1915 से लेकर के और 1947 तक हम लोग गांधीवादी चरण देखते हैं। तो अब यहाँ से हम लोग एक एक चरण को देखेंगे, और एक एक चरण को देखने का मतलब है कि किस सन में कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं उसे हम लोग देखने का काम करेंगे। क्लियर है? अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, क्या कैसे कवर करना है। क्लियर? अब ध्यान से सुनिएगा,
इतनी चीज़ें जो अभी हमने आप लोगों से बताया, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को एक क्लास में समेटने का, सजोने का काम किया है। क्लियर। जब हम उदारवादी चरण पे आएंगे तो हम बात करेंगे कि 1885 में किस प्रकार एवो ह्यूम के नेतृत्व में लॉर्ड डाफरिन ऑन द स्पॉट हमारे यहाँ वायसराय रहे हैं, तब कांग्रेस की स्थापना किया गया और कांग्रेस की स्थापना के साथ ही में कौन कौन से नेता थे जो उदारवादी के नाम से जाने गए, उनकी कार्यप्रणाली क्या थी, उनकी मांगे क्या रहे। यहाँ पे बस एक प्रश्न आपसे बनते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति उदारवादी चरण से संबंधित हैं, या फिर इससे जस्ट पहले आप देखेंगे तो कांग्रेस के कुछ अधिवेशन हुए हैं। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां अधिवेशन, ये छह अधिवेशन कहाँ पे हुआ है। और इसी के साथ ही में सबसे खास बात है कि सामान्यता अगर मैं बात करूं तो 1885 के बाद में जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे कि जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं, उन अधिवेशनों में सबसे खास बात कि किस साल की अध्यक्षता किसने की है और किस स्थान पे हुआ है, बस इतनी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है और इतने से ही हमारा प्रश्न बन जाता है। इसी के शासनकाल में अगर मैं आपसे बात करूं ठीक है, तो इन चीज़ों को हम ध्यान में देखेंगे। फिर जब 1905 आया है तो 1905 को हम लोग उग्रवादी चरण के नाम से जानते हैं। आखिर 1905 में ऐसी कौन सी घटनाएं घटित हुई कि हम लोग यहाँ से फिर एक नए चरण की तरफ मूव किए। तो आपको पता होगा मेरे दोस्त कि 1905 में जब लॉर्ड क्लाइव हमारे यहाँ रहा है, राइट, लॉर्ड क्लाइव नहीं, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया। चूँकि ऑन द स्पॉट या 1905 में जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाला क्षेत्र रहा, ये आतंकवादी क्रांतिकारी, अंग्रेज इन्हें आतंकवादी क्रांतिकारी बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ के जो गतिविधियाँ, क्रांतिकारी गतिविधियाँ, उग्रवादी क्रांतिकारी गतिविधियाँ रही हैं, अंग्रेज इन्हें आतंकवादी गतिविधियों का नाम दिए हैं, बट हम ऐसा कुछ नहीं बोलने वाले। तो सामान्यतः 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया और बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप ही धीरे धीरे अन्य घटनाएँ घटित हुई हैं। मैं एक बार वे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि किस प्रकार से क्या हमें पढ़ना है, और यहाँ से आपको एक या दो प्रश्न देखने को मिल जाएगा आज के क्लास से। 1905 में सबसे पहले घटित हुआ बंगाल का विभाजन, और बंगाल विभाजन के ही विरोध में जो हमारे उग्रवादी व्यक्ति के लोग थे या उदारवादी व्यक्ति के लोग थे, तो उग्रवादियों का मानना था कि बंगाल विभाजन का व्यापक स्तर पर विरोध किया जाए और स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन लाया जाए। तो स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन बंगाल विभाजन के बाद लाया गया। 1905 से लेकर के 1908 तक स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को चलाया गया। किसके विहाव पर? बंगाल विभाजन के विहाव पर, मतलब बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन भारत में प्रारंभ किया गया। 1905 में बंगाल विभाजन, 1905 से लेकर के 1908 तक बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन। इसी के जस्ट बाद आप देखेंगे कि 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया गया, क्योंकि जब बंगाल का विभाजन किया गया तो जो हमारा पूर्वी बंगाल है वो मुस्लिम बहुल्य प्रांत रखा गया और जो हमारा पश्चिमी बंगाल है वो हिंदू बहुल्य रखा गया। तो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर जब बंगाल का विभाजन किया गया तो कुछ मुस्लिम के नेताओं ने जाकर के अंग्रेज जो हमारे यहाँ वायसराय लॉर्ड मिंटो थे, मिंटो से मुलाकात की और एक पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। तो अंग्रेजों ने मुसलमानों को नेतृत्व प्रदान करने के लिए 1906 में मुस्लिम लीग के गठन की बात कही, और मुस्लिम लीग का गठन अंग्रेजों के भारतीय जो मुस्लिम थे उनके माध्यम से गठित कर दिया गया, और अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग को वरीयता प्रदान करने का काम किया। इसी के परिणाम स्वरूप 1909 का अधिनियम मार्ले मिंटो के नाम से आप जानते हैं। मार्ले वायसराय थे और मिंटो, सॉरी, मार्ले हमारे यहाँ के भारत सचिव और मिंटो कौन थे? वायसराय थे। 1905 में बंगाल विभाजन, 1906 में मुस्लिम लीग का गठन, और 1905 से लेकर के 1908 तक स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन चलाया गया। आप देखेंगे कि बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप जो स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन हुआ है कहाँ तक सीमित रखा जाए, इस मुद्दे को लेकर के और कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता को लेकर के भी डिस्प्यूट हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप सूरत में कांग्रेस का विभाजन कर दिया गया। सूरत में कांग्रेस का विभाजन 9 सालों के लिए जो उदारवादी व्यक्ति थे उन लोगों ने उग्रवादियों को बाहर कर दिया। यही आप देखेंगे जब 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ तो एक बार फिर से उग्रवादियों को कांग्रेस में स्थान प्रदान किया गया। तो यहाँ से घटनाएं कैसे हुई, 1905 का बंगाल विभाजन, 1906 में मुस्लिम लीग का गठन, 1905 से लेकर के 1908 तक स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, 1907 में सूरत में कांग्रेस का विभाजन हुआ है, 1909 में मार्ले मिंटो अधिनियम आया है, 1911 में दिल्ली दरबार, और जो दिल्ली दरबार आया है कुछ ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के नेतृत्व में या उनके स्वागत में, जॉर्ज पंचम एवं उनकी महारानी मैरी के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। और दिल्ली दरबार में ही आप देखेंगे कि नाम दिल्ली दरबार है, आयोजन हुआ था कलकत्ता में।
तो दिल्ली दरबार के ही उपलक्ष्य में ही पहली बार भारत में जो भारत का राष्ट्रगान है जनगण मन, जॉर्ज पंचम के स्वागत में गाया गया था। पहली बार जनगण मन कब गाया गया है? 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में दिल्ली दरबार के द्वारा गाया गया था। इसी के साथ आप देखेंगे कि दिल्ली दरबार में दो महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई थी। पहली घोषणा क्या थी कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी जाए। तो ये दो महत्वपूर्ण घटनाएं आपको याद रखनी, मैं इसलिए आपको अभी नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये आगे हम लोग चर्चा करेंगे। 1913 में आप गदर पार्टी देखते हैं, तो 1913 में गदर पार्टी आप देखिएगा अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के नेतृत्व में युगांतर आश्रम की स्थापना की गई। और युगांतर आश्रम में ही सामान्यतः जो आंदोलनकारी थे या क्रांतिकारी गतिविधियों के संलिप्त लोग थे उनको नेतृत्व प्रदान करने के लिए गदर नामक पत्रिका का संचालन किया जाता था, जो उर्दू भाषा में किया जा रहा था। इसी गदर पत्रिका के नाम पर ही इस पार्टी का नाम गदर आंदोलन रख दिया गया। 1913 के जस्ट बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो 1915 में महात्मा गांधी की हमारे यहाँ एंट्री हो गई थी और 1916 से लेकर के 1918 तक आपको भारत में होम रूल आंदोलन देखने को मिल जाएगा, जो कि एनी वेशंट और तिलक के नेतृत्व में भारत में संचालित किया गया था। इसी के साथ में 1917 में चंपारण, 1918 में खेड़ा और अहमदाबाद आपको देखने को मिला है। वहीं 1918 से 1919 के बीच में आपको खिलाफत आंदोलन देखने को मिलेगा। ये खिलाफत आंदोलन है क्या, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। आपको पता है कि ब्रिटेन ने प्रथम विश्व युद्ध में जब टर्की पे अटैक किया है, तो टर्की में अटैक करने के कारण जो टर्की था वो पूरे उस समय या उस तत्कालिक समय में पूरे विश्व में मुस्लिम जगत का खलीफा माना जाता था। वहाँ एक खलीफा था, एक पद था खलीफा, जो पूरे मुस्लिम का नेतृत्व करता माना जाता था या पृथ्वी पर मतलब ईश्वर या पैगंबर जो भी उनका नेतृत्व करता माना जाता था, उनका एक सेवक माना जाता था, उनके अवतार माने जाते थे। तो जो भारतीय मुस्लिम थे उन्हें यह आभास हो चुका था कि अगर प्रथम विश्व युद्ध में टर्की पर विजय प्राप्त करता है ब्रिटेन तो खलीफा पद को समाप्त कर दिया जाएगा। इसी के विरोध में भारत में भारतीय मुसलमानों के द्वारा क्या किया गया, खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया। इससे जस्ट पहले आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पे 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था और लखनऊ अधिवेशन में ही कांग्रेस और एनी वेसेंट के मतलब एनी वेसेंट और तिलक के ही प्रयासों के माध्यम से मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक मंच पर आए थे। यहीं पर आप देखिएगा तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक मंच पर आया है और जिसे 1907 में सूरत अधिवेशन में उग्रवादियों को बहिष्कृत कर दिया गया था, एक बार फिर से उन्हें कांग्रेस में स्थान प्रदान किया गया। ये दो महत्वपूर्ण घटनाएं 1916 के लखनऊ अधिवेशन की है, याद रखिएगा। इसके बाद में आप देखिएगा कि 1919 में हमारे यहाँ अंग्रेजों के द्वारा एक अधिनियम लाया गया था जिसे आप रोलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। रोलेट एक्ट की सबसे खास बात क्या रही है ये हम आगे बात करेंगे, बट रोलेट एक्ट के विरोध में डॉक्टर किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब धरना प्रदर्शन हो रहा था और रोलेट एक्ट के तहत जो प्रोविजंस थे उस प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए 1919 में डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनकी रिहाई के विरोध में पंजाब वाले क्षेत्र में लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी रिहाई की मांग कर रहे थे और उनकी रिहाई को मांग को लेकर के ही जलिया वाले बाग में लोगों ने मिलने की बातें कही थी। लेकिन ऑन द स्पॉट जलिया वाले बाग में जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का ऑर्डर कर दिया और इस पूरी घटना को हम जलिया वाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। 1919 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रोलेट एक्ट 1919 में आया, जलिया बाग हत्याकांड 1919 में आया हुआ है। हंटर कमेटी, अगर आप हंटर आयोग देखेंगे तो जलिया वाले बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए हंटर समिति का गठन किया गया था। इसी के साथ में खिलाफत आंदोलन आपको देखने को मिला है, 1919 का मॉन्टेग्यो ट्रांसपोर्ट सुधार भी आया है और इन सब को एक सूत्र में फिरोते हुए महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। तो असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक असहयोग आंदोलन चला है। 1922 में जब आंदोलन अपने चरम अवस्था पर था तो गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पे कुछ भारतीय क्रांतिकारियों ने पूरे एक पुलिस थाने को जला दिया और वहीं पर कुछ पुलिसकर्मी को भी जिंदा जला दिया। मतलब थाना और पुलिसकर्मी दोनों को जला दिया गया, जिससे कि गांधी जी काफ़ी आहत हुए क्योंकि उनका मानना था कि हिंसात्मक तरीके से हम कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे कि हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो महात्मा गांधी के इन्हीं प्रयासों के जहां तक उद्देश्य था अहिंसात्मक, वही घटनाएं घट गई हिंसात्मक। गांधी जी ने हिंसात्मक घटना देखते हुए सामान्यतः बारदोली से ही इस आंदोलन को वापस लेने का आह्वान कर दिया। आंदोलन अपने चरम अवस्था पर था उस समय, वापस लेने की घटना को लेकर के जो हमारे कांग्रेस के अन्य शीर्ष नेता थे वो गांधी जी से नाराज हुए, जिसमें से मुख्य तौर पर आप सीआर दास और नेहरू को देखते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं मोतीलाल नेहरू उनके पिताजी। तो नेहरू और सामान्यतः
सीआर दास, इन दोनों लोगों ने मिलकर कांग्रेस से अपना एक तरीके से बहिष्कृत करने की बातें कहीं और अलग जा करके 1923 में स्वराज पार्टी का गठन कर दिया गया। तो यहाँ तक की जो घटनाएं हैं वो सिक्वेंस वाइज में चल रही हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में फिर हमारे यहाँ पे कुछ क्रांतिकारी गतिविधियाँ अब और देखने को मिलेंगे, जिसे आप क्रांतिकारी या उग्रवादी गतिविधियों का एक व्यापक स्तर पर देखते हैं, जहाँ पे आपको चंद्रशेखर आज़ाद मिलेंगे, भगत सिंह मिलेंगे, सुखदेव राजगुरु मिलेंगे, रामप्रसाद बिस्मिल मिलेंगे, ये सारे लोग इस वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे। काकोरी ट्रेन एक्शन आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ में बहुत सारे वायसरायों की हत्या कर दी गई, बहुत सारे जजों की हत्या की गई, असेंबली में बम फेंका गया, ये बहुत सारी घटनाएं आपको 1923 से लेकर के 1927-28 तक की देखने को मिलेगा। फिर 1927 की अगर मैं बात करूँ तो 1927 में साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन के विरोध में या उनके द्वारा कुछ सुझाव दिए गए, उन सुझावों को ध्यान में रखते हुए 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया है। 1929 में आपको लाहौर अधिवेशन देखने को मिलेगा। 1930 में कराची अधिवेशन देखने को मिला है। इसी के साथ में 1930 में ही महात्मा गांधी जी के द्वारा नमक कानून तोड़ का आह्वान किया गया और दांडी मार्च यात्रा प्रारंभ कर दिया गया। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन आपको हर एक साल के अंतराल पर देखने को मिलेगा। तो गोलमेज सम्मेलन 31, 32 याद रखना है, नमक कानून तोड़ और दांडी मार्च यात्रा आपको 1930 याद रखना है। इसी के जस्ट साथ बाद में आपको 1932 में पूना, पहले तो मैकडोनाल्ड घोषणा पत्र और पूना पैक्ट याद रखना है। पूना पैक्ट महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के द्वारा किया गया समझौता है, संधि रहा है। उसी के बाद में आपको लॉर्ड इरविन समझौता देखना है। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ है। फिर इसी के साथ में चंद्रशेखर भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी 1931 में दिया गया है। 1932 में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई। पूना पैक्ट 1932 में आया है और फिर उसके जस्ट बाद में 1935 भारत शासन अधिनियम लाया गया। साइमन कमीशन ने जो अपने रिपोर्ट दिए थे उन रिपोर्टों को ही आधार बना करके 1935 का भारत शासन अधिनियम लाया गया। 1935 भारत शासन अधिनियम को ध्यान में रखते हुए 1937 में पहली बार हमारे यहाँ प्रांतीय चुनाव लड़ा गया, केंद्रीय स्तर वाला। उन चुनाव में कांग्रेस ने 8 विभिन्न प्रकार के राज्यों में बहुमत प्रदान किया या सरकारें बनाई थी। 6 राज्यों में पूर्ण बहुमत, 2 में मिलीजुली सरकार, तो कुल मिलाकर के 8 राज्यों में सरकारें बनाई और 28 महीने तक वो प्रशासन चलाया गया। चूँकि उसके जस्ट बाद में 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया और अंग्रेजों ने फिर से भारत को बिना पूछे द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने का बात कही। इसीलिए जो हमारे यहाँ के भारतीय कांग्रेस के जो शीर्ष नेता थे उन्होंने असंतोष जाहिर करने के उद्देश्य से कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। ठीक, वहीं पर आप देखेंगे कि फिर 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ है। त्रिपुरी क्या मतलब, बोस साहब का ने अधिवेशन किया था, अध्यक्षता किया था। उसी के जस्ट बाद में आप देखेंगे तो 1939 में भी कांग्रेस पद के अध्यक्षता को लेकर के प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। जब त्रिपुरी संकट हुआ है 1939 में, तो एक बार पुनः सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। और सुभाष चंद्र बोस किसके विरुद्ध में जीते थे, पटाबी सीतारमैया के विरुद्ध जीते थे। पटाबी सीतारमैया को जो नेतृत्व प्रदान किया था वो हमारे महात्मा गांधी ने किया था और महात्मा गांधी जी ने पटाबी सीतारमैया की हार को अपनी हार एक्सेप्ट किया और इसी की वजह से आप देखेंगे कि कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था का गठन किया। इसी के बाद में 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तो कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें याद रखिएगा। 1939 में वहीं पर आप देखें, 1939 के बाद 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया है। 42 में क्रिस मिशन आया है। 42 के बाद में से 1944 में सी आर दास फॉर्मूला आया है। इसी के जस्ट बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो 1946 में कैबिनेट मिशन आया है और कैबिनेट मिशन के बाद में 1947 में माउंटबेटन योजना लाया गया है। धीरे धीरे घटनाएं आगे बढ़ी हैं। 1942 से लेकर के 1946 तक भारत छोड़ो आंदोलन भी प्रारंभ किया गया था। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि 1930 से लेकर के 1934 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन भी प्रारंभ किया गया था। तो 1920 से 1922 महात्मा गांधी जी के द्वारा पहला अखिल भारतीय स्तर पर आंदोलन प्रारंभ किया गया, जिसे सामान्यतः आप असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं। 1930 से 1934 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 से लेकर के 1946 तक भारत छोड़ो आंदोलन। ये सारी घटनाएं जो हैं वो हम लोग 1947 तक आकर के देखेंगे और 1947 के आने के बाद हम लोग अपने मॉडर्न हिस्ट्री को वहीं पर ब्रेक दे देंगे। क्लियर है? तो इतनी सारी चीज़ें हम लोग एक सीक्वेंस में देखने का काम करेंगे। याद रखिएगा कि यहाँ से एकाध प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर?
तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में, और जब भी हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तो फिर से उन सारी चीज़ों पर ध्यान देंगे जो सीक्वेंस में हम लोगों ने बातें कही। तो नेक्स्ट सेशन में जब भी हमारी और आपकी मुलाकात होगी तो हम अंग्रेज़ों का भारत में आगमन के कुछ फैक्ट डेटा देख लेंगे और बंगाल विभाजन कैसे कैसे हुआ है इन चीज़ों पर भी हम ध्यान देंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।